चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बाहुबली 2 के बाद शायद ही किसी हिंदी फिल्म ने बहुत बड़े रिकॉर्ड दर्ज कराया होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉलीवुड फिल्में रिकॉर्ड बनाना भूल गई है। आखिर बार जिस फिल्म को लेकर रिकॉर्ड की बात की गई है वो है ट्यूबलाइट, जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। इसके बाद अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट की प्रेम कथा ने हिंदी भाषी लोगों के लिए खुशी मनाने का मौका दिया है। फिल्म ने पहले मंगलवार को 20 करोड़ का कारोबार किया, जो कि इस फिल्म का तरह से रिकॉर्ड है, दूसरी सबसे विल फिल्म बन गई है। इसके अलावा पहले मंगलवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बाहुबली 2 के है, जिसने पहले मंगलवार को 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। लगता है स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी होने के कारण टॉयलेट एक प्रेम कथा को अच्छी शुरुआत मिली है। बाहुबली 2 अप्रैल में रिलीज हुई थी, जिसके बाद 2017 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले रिकॉर्ड में अब तक बाहुबली 2 का नाम शुमार हो चुका है। भले ही यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म थी, लेकिन इसके बावजूद हिंदी ऑडियंस ने इस फिल्म को खुले दिल से स्वीकार किया और इसकी कमाई का आंकड़ा 500 करोड़ के पार कर गई है। अगर हम बात करें टॉयलेट एक प्रेम कथा की, तो ट्रेड पंडित ऐसा उम्मीद जता रहे कि इस हफ्ते के खत्म होते होते 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। जिस तरह से इसकी कमाई जारी है, इसके बाद हम किसी प्रकार का शक भी नहीं लग रहा है कि यह फिल्म ऐसा करने में किसी प्रकार से नाकाम रह सकती है, जिसमें अक्षय ने खुले में शौच करने का मुद्दे को लेकर बीच उठाया है, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है।